हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देवजी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी टपरस्सी से संबंधित जो आपकी ग्राम विकास अधिकारी अर्थात वीडियो की एक न्यू वैकेंसी 2019 में रिलीज होने जा रही है, जो कि 8000 आपकी पोस्ट हैं, ये बात क्या सच है या गलत है, ठीक है, पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखिएगा। क्योंकि जब पूरे यूट्यूब पर अफवाहें चर्चे में आ जाती हैं तब बच्चे हमारे पास आते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक ही वीडियो बनाते हैं जिसमें सभी परीक्षाओं से संबंधित समाधान आपका खत्म हो जाए, चाहे वो मंडी परिषद का हो, चाहे आपका लोअर पीसीएस का हो, चाहे वो आपका वीडियो एग्जाम का हो, चाहे रिजल्ट का। क्योंकि हम डेली का डेली यहाँ पर ये न्यूज़ बनाने के लिए टाइम नहीं है कि आज ये अपडेट आई है, कल ये अपडेट आई है, कल वो अपडेट आएगी, ये हमारे पास कोई काम नहीं है। सिर्फ हम यहाँ पर हो सकता है दो मंथ के बाद एक ही आपको न्यूज़ दे रहे हैं, जिसमें से हमारे प्रत्येक वीडियो में एक ही कमेंट आते हैं, सर वीडियो एग्जाम के रिजल्ट के बारे में बताइए। तो आप लोगों के अंदर जितनी भी इच्छाएं हैं सभी वीडियो में हम आपको बता देंगे, ताकि आप लोग परेशान मत होइए। और ऐसी अफवाहें तभी आती हैं जब आपकी एग्जाम पास में आते हैं और आप लोग यूट्यूब से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं अब हम मेहनत ज्यादा कर लें। तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए ये क्या सच्चाई है या आप लोग ऐसी स्थिति में क्या करना है, वीडियो को पूरा देखिए। तो देख लीजिए, आपकी जो न्यू वैकेंसी रिलीज होने जा रही है या होगी या नहीं होगी, तो आपको बता दें ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो 2016 की वैकेंसी आपकी वीडियो एग्जाम की थी उसका जो रिजल्ट आया था वो आया था आपका 2018 में। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि अभी 2018 का रिजल्ट नहीं आया है और एक नई वैकेंसी आने की संभावनाएं जताई जा रही है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि नहीं भी आएगा, हो भी सकती है कि वैकेंसी आपकी आ सकती है, ठीक है ना। और रही बात यहां पर वीडियो रिजल्ट 2018 की कि क्या अपडेट है, तो भाई आपको बता दें कि इस समय यूपी ट्रिपलसी से संबंधित कोई अपडेट किसी के पास है ही नहीं, कोई अपडेट किसी के पास है ही नहीं है। सिर्फ कह सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को बस सांत्वना देने के लिए इसके बारे में सब बता रहे हैं, लेकिन आप बता दें कि इस समय सिर्फ मंडी परिषद की आप जो अच्छी से तैयारी चल रही है उसका जो रिजल्ट, उसका जो एग्जाम है, तो हो सकता है कि आपके ये मई के बाद ही होना है। ये जरूरी नहीं है कि कब होना है, लेकिन यह है कि आपकी हो सकता है एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए यूपी ट्रिपलसी की एग्जाम आई है वो थोड़े दिन पहले आ गई थी, ठीक है, या बात करिए लोअर पीसीएस का, तो लोअर पीसीएस का अभी कोई सिलेबस नहीं आया है, तो इसका भी एग्जाम डेट जरूरी नहीं कि अभी आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि याद रखिए हाईकोर्ट एग्जाम जो आपका हाईकोर्ट हुआ था ग्रुप डी और ग्रुप सी वाला, तो कितनी जल्दी हो गया था, आप लोगों ने फार्म भरा और इसके बाद तुरंत इसके पेपर भी करा दिया। तो आप लोग ये मत सोचिए कि एग्जाम अभी नहीं होगा या चुनाव चल रहे हैं या रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर एक प्रकार के बहकावे में ना आकर, वर्तमान में आपकी मंडी परिषद लगा है, आपकी लोअर पीसीएस लगा है, पीसीएस मेंस लगा हुआ है और आपका पीसीएस की न्यू वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, रेलवे एग्जाम की जो एनटीपीसी आपकी है उसका भी कह सकते हैं सितंबर में एग्जाम होगा, और आपकी आरआरबी जे की जो रिजल्ट जो डेट आ चुकी है आपकी 22 से, तो भाई आपके पास इतना है पढ़ने के लिए, इतनी वैकेंसी है वर्तमान में कि आप लोग सारा दिन बिजी रह सकते हैं। लेकिन अगर ये आप सोचें दिमाग की नहीं है, तो मेरा नंबर था वीडियो एग्जाम में 210, क्या हो सकता है, भैया ये थिंकिंग लेके रखोगे तो 2 साल बाद इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है, हम ये नहीं कहते कि आएगा ही, हो सकता है कि आ सकता है, औसत हो सकता है बढ़ जाए, डिले भी हो सकता है जिस प्रकार से पिछली बार हुआ है। तो सीधा सीधा हम आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये नई वैकेंसी आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो आप लोग बार बार परेशान करके ये हमें या किसी भी यूट्यूबर को अगर आप यहाँ पर 25 मैसेज कर देंगे तो वो मजबूर हो जाता है वीडियो बनाने में, ठीक है ना, अब उसमें से अकेले किसको बता पाएगा। इस कारण वहां पर वो थंबनेल भी है वो भी आपका बड़ा बड़ा लिख देगा, ताकि एक बार में सभी को बताया जा सके कि आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है, ठीक है ना। तो हमने इसमें सच्चाई में ये बताया कि 2018 के अभी तक कोई अपडेट नहीं है सिंपल भाषा में। दूसरा कि जो 2000 आपकी 8000 पोस्ट आना है या नहीं आना है, हो सकता है कि आ सकता है, जरूरी नहीं कि ये हाँ अफवाह कहाँ से उठी है ये तो हम लोग बता नहीं सकते भाई कि अफवाह कहाँ से है। और ये अफवाह भी YouTube से ही उठती है, कोई पेपर रिजेक्ट होता है तो YouTube से होता है, ठीक है ना, और पेपर अगर वो बनता है या
किसी प्रकार की अच्छा रिएक्शन लेना होता है वो भी YouTube ही करता है, ठीक है। क्योंकि YouTube इस समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ चुका है जिसके माध्यम से सभी लोग जुड़ चुके हैं। देखिए, पिछली जो भर्तियां आपकी अखिलेश सरकार करा रही थी, ऐसा नहीं कि उनके समय में कोई नकल नहीं हुई है। नकल उस समय भी होती थी, नकल इस समय भी होती थी। उस समय की बात पकड़ में नहीं आती थी क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ था। अब वर्तमान में अगर कोई छोटी सी बात होती है वो भी लीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब ऐसा कम्युनिकेशन बना दिया है हर एक बच्चे से, क्योंकि वो बच्चा सारा दिन यूट्यूब जरूर यूज करता है, एक ना एक क्लिक करके देखता है कि कोई नई अपडेट आई है कि नहीं आई है, ठीक है ना। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना समय वर्तमान में लगे हुए जितने भी पेपर हैं, रेलवे एग्जाम, लोको पायलट का साइको और आपका लोअर पीसीएस जो मंडी परिषद है, सबकी एग्जाम बिल्कुल पास में आ गए हैं। दो मंथ आप मन लगा के बस मेहनत कर लीजिए। और इस बार को जैसे कि अभी एआरओ भर्ती में हमने यहां पर तैयारी करवाया था, सभी बच्चों के मतलब कमेंट आए हैं, जो लोगों के काफी पास भी हो चुके हैं तो कमेंट आए थे। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग भी मेहनत करिए। हम भैया अपने चैनल पर आपको बता दें कि फुल हिंदी टेस्ट ही कराते हैं, ठीक है ना, और यूपी ट्रिपलसी में आपकी लोअर पीसीएस की तैयारी करा रहे हैं। वहां पर देख सकते हैं हम दो मंथ से किसी प्रकार की न्यूज नहीं लाए हैं क्योंकि हमें कोई अपडेट पता ही नहीं है, कोई अपडेट है ही नहीं। जब कोई अपडेट है ही नहीं तो ऑटोमेटिक वीडियो क्यों बनाए, क्यों परेशान करते हो? और जब किसी भी यूट्यूबर को परेशान करोगे तो ऑटोमेटिक वो वीडियो बनाएगा ही, ठीक है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर है भी वैकेंसी तो आएगी तो आप लोग भरेंगे तो आप एग्जाम देंगे। अब इसमें यह नहीं कहोगे कि सर रिजल्ट अभी दोबारा आया नहीं 2018 का, ये कैसी वैकेंसी आ गई, आ जाएगी तुम क्या करोगे, ठीक है ना। इसलिए ये वैकेंसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप लोग पढ़ाई में कंसंट्रेट करिए, ठीक है ना। इतनी मेहनत से हम पढ़ा भी रहे हैं और आप लोग भी इतनी मेहनत से पढ़ाई करते हैं। हाँ, कह सकते हैं कि आप लोग मेहनत का फल तुरंत मिल जाए ये भी होना चाहिए कि मान लो पेपर हुआ उसके बारे में प्रक्रिया हो जाए फिर अगले पेपर की तैयारी कीजिए, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, इतनी जनसंख्या है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भ्रमित ना होइए, आप लोग पढ़ाई पर ज़्यादा कंसंट्रेट करिए, ठीक है ना। जो वर्तमान में आपके पेपर हैं, 2-3 महीने में सब हो भी जाएंगे, ये भी याद रखिए कि दो तीन मंथ में सब पेपर भी हो जाएंगे। अगर आप इस समय इस सिस्टम में लगा दिया सोचने में कि हम क्या तैयारी करें क्या ना तैयारी करें, तो भैया आपका सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। वर्तमान में आपको बता दें, अगर आप यूपी ट्रिपलसी से तैयारी कर रहे हैं तो आपका सेम सिलेबस होता है, ठीक है, जहाँ यूपी स्पेशल आती है, हिंदी आती है, जीएस आती है, ठीक है ना, और आपकी रीजनिंग आती है, और ये चार कॉमन सब्जेक्ट हैं जिनको पढ़ना आपका एक कह सकते हैं ये 100% इतना तो पढ़ना ही होगा। और ये बताइए, अगर इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप पीसीएस का फॉर्म डालते होंगे, आईएएस का फॉर्म डालते होंगे, सभी तो पेपर पास में लगे हैं ना। तो आपको ये चीज सोच लीजिए कि हमारा कोई फॉर्म निकला है तो उसको सोच के बैठ जाएं, तो उसको सोच के मत बैठिए। आप लोग मेहनत करिए, अग्रसर रहिए और भी अपने आप को सॉलिड बनाइए और भी अपने आप को प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में। और सबसे विनती है कि आप लोग यहाँ पर जो भी रिएक्शन देना, ठीक है, सोच समझ के देना, ठीक है। अगर आपको गाली भी देना है तो आप गाली भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चे हमको नहीं जानते तो वो लोग कहेंगे सर भी बेवकूफ बना रहे हैं। भाई, हमें बेवकूफ बनाने से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमने पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।